morning, student. Today, I will teach you about moment of inertia, to find out moment of inertia of a thin rod. Moment of inertia. देखो इन रॉड है आपकी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास। यहां पे हमने रखा हुआ इस रॉड को, इट्स लेंथ इज एल, एल बाय टू इधर हो गया और एल बाय टू भी हम इसमें इसकी डीएक्स लेंथ ले लेते हैं डी एक्स और एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन। देखो टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेंटर अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास, हमने क्या किया इस रॉड को हमने ओरिजिन कनेक्ट किया जहां ओरिजिन पे इसका सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है। L by 2 distance positive x axis और L by 2 distance negative x axis की तरफ होगा। हमें इसके center of mass से x distance पे dx इसकी length ले लिया। अब देखो हमने मान लिया length mass per unit length mass of rod is m, मास पर यूनिट लेंथ ये आपका हो जाएगा एम बाई एल। लेंथ मास ऑफ बी एक्स लेंथ dm, that is m by l dx. ये मोमेंट, ये मोमेंट का इनर्शिया होगा क्या? I equal integral x square dm, ये फार्मूला होता है, इंटीग्रेट कर देते हैं, या m r square आपने पढ़ा हुआ है, समेशन समेशन के लिए यहाँ इंटीग्रेशन हमने यूज किया। कहां से कहां तक? माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। अब ये हमको निकालना है स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे हमको मिल जाएगा। तो डीएम की वैल्यू हमने रखा एम बाई एल डी एक्स, दैट इज एम बाई एल बाहर कर लिया, माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने लिखा है फॉर्मूला, मैथमेटिकल टूल्स मैंने पढ़ाया, एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहां आपका हो जाए एक्स क्यूब बाई थ्री, दैट इज एम बाई एल एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एल बाई टू प्लस एल। इसको हम लोग सॉल्व करें, एम बाई एल एल बाई टू यहां रखेंगे तो एल क्यूब बाई एट 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल टू बाई देखो आठ इन टू 24 दैट इज एल टू बाई 12। अब ये हो गया आप लोगों का
एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल क्यू बाई 12। ये मिल जाएगा एल आपका कट जाएगा, जी हो जाएगा हम लोगों का। आई इक्वल एम एल स्क्वायर बाई 12। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अराउंड सेंटर ऑफ मास। हमने क्या किया, इसके इससे एक्स डिस्टेंस में हमने इसकी डीएक्स ले ली। अब उस ये हमने माना कि इस पूरी रॉड का मास कैपिटल एम है, इसकी यूनिट लेंथ का मास कैपिटल एम बाई एल हो जाएगा, तो डीएक्स लेंथ का मास डीएम जो होगा एक्स बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा। एम बाई एल इंटू डीएक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल इंटीग्रल डीएक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएम। यहां हमने वही किया, इंटीग्रल माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू डीएम एम बाई एल डीएक्स और एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट को रख करके एल बाई टू का होल क्यूब एल क्यूब बाई एट और एट सीजा 24। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई 24, इसको ऐड करेंगे तो एल क्यूब बाई 12 आ जाएगा। यहाँ एल है तो एल इज कैंसल एंड वी गेट एल एल स्क्वायर बाई 12। अब देखो ये मान में अराउंड सेंटर ऑफ मास निकाला है, अगर हम इसके अराउंड निकालना हो तो हम क्या करें। एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस थ्योरम के अनुसार इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास अराउंड पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास विथ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस।
लिए हम लोग देखें, ये है आपका फिगर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली इसकी पैरेलल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। ये स्वीट मान लो इसके अराउंड इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्क्वायर है और यहां से इसकी डिस्टेंस जो है आर है, ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये एक्स है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आई इक्वल आई सी एम प्लस समेशन एम ए स्क्वायर। ये इस थ्योरम के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास आई सी एम एंड प्रोडक्ट ऑफ मास विथ डिस्टेंस विथ स्क्वायर विथ स्क्वायर विथ स्क्वायर। प्रूफ किया जाए, इसका प्रूफ देखें हम लोग। देखो स्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ए बी इट इज आई इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। आर एक्स प्लस ए के बराबर है, ये हो जाएगा समेशन एम एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अलग अलग कर दिए हैं समेशन एम एक्स स्क्वायर समेशन एम ए स्क्वायर प्लस समेशन या टू कर दिया बाहर एम ए यह एक चीज है समेशन एम ए एक्स इक्वल जीरो बिकॉज ये मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल अराउंड सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर। देखो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर ये दिस इज आई सी एम आई इक्वल आई सी एम प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर, यही हमारी थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कुछ नहीं है इसमें एकदम इसके प्रूफ में कुछ नहीं हमने किया। आई इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर आर फिगर में आ गए, ए प्लस एक्स है इसका होल स्क्वायर कर दिए, अलग अलग कर दिए सिग्मा एम ए एक्स ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ आर पार्टिकल अराउंड सेंटर ऑफ मास बिकम्स जीरो, उसको हमने जीरो कर दिया।
अब यहाँ ये वचन सिग्मा एल एक्स स्क्वायर आपका सेंटर ऑफ मास दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस सिग्मा एम एल स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन आप देखो, अभी अभी हमने जो कहा था इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये मेरी स्क्वायर पर क्या था। अब इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड इक्वल, देखो यहां पर क्या होगा आपका इसके बीच की डिस्टेंस एल बाई टू, ये आपका एम एल स्क्वायर बाई टेल आईसीएम है प्लस एम एल बाई टू होल, तो ये एम एल स्क्वायर बाई फोर इसमें ऐड कर रहे हैं, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर, यह आपका आ जाएगा फोर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इक्वल एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो ये डिस्क है, यहां इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है हाफ एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड प्लस एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अराउंड हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से वी कैन अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद जो मेरा वीडियो जाएगा आई विल सेंड यू नेक्स्ट वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेन शीट देन आफ्टर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए